दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज सरस्वती पूजा का नेक्स्ट वाला दिन है और फाइनली सरस्वती पूजा का संपन्न हो चुका है। वैसे मान्यता यही कि माँ सरस्वती का विसर्जन नहीं किया जाता, इसीलिए हम लोग इसे अपने छत के ऊपर रख देंगे। मधु आज नहीं है ब्लॉग में क्योंकि वो अभी ऑफिस गई हुई है और वो शाम तक ही लौटेगी। तब तक मैं क्या करूँ, मैं सोचा हूँ कि एक छोटा सा ब्लॉग बना लूँ, रोज़ ब्लॉग दिया जाए तो अच्छा रहता है। और ये रहे मेरी बेटी जो कि अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, कल उसका साइंस का एग्ज़ाम है। आज मधु घर पे नहीं है, अगर वो होती तो बहुत अच्छा रहता, सब लोग घर के रहते। बेटा मुन्ना स्कूल गया हुआ है, बेटी घर पे है और मधु की ड्यूटी भी गई है। माँ सरस्वती की जय। माँ सरस्वती की जय। जय माँ सरस्वती की जय। तो दोस्तों, मधु ऑफिस गई और मुझे एक काम थमा के गई है, मटर छीलना। अब ये देख सकते हैं, ये 5 किलो मटर है और ये 5 किलो मटर मुझे छीलना है। वो क्या करते हैं कि हर साल जो होता है, जो सीजन है, तो हम लोग मटर जो रेट कम रहता है, जैसे मटर का रेट कुछ 30 रुपीज पर किलो है, तो हम लोग छील के इसको मटर वैसा निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कर देंगे फ्रीज में। तो ये क्या होगा, जब सीजन नहीं रहेंगे ना, तो उस समय हम लोग मटर को अलग अलग अपना अलग अलग सब्जी जब बनाते हैं, वेजिटेबल्स, उसमें हम लोग डाल के बना सकते हैं। स्पेशली मेरी बेटी को मटर पनीर पसंद है, उस समय मटर बहुत महंगा हो जाता है क्योंकि वो अवेलेबल रहता नहीं है। और ये स्टॉक रहने से क्या होता है कि वो जब चाहे पनीर खा, पनीर का एंजॉय कर सकती है, मजा में, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है, 5 किलोज मटर। तो दोस्तों, फाइनली पूरी तरह थक चुका हूं मैं। क्या काम दिया मुझे मधु ने, पूरे 1 घंटे हो गए, 1 घंटे मैंने बस इतना छीला है। और कितने समय लगेंगे ये 5 किलो, मैं तो सकूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, कोई है भी नहीं मुझे हेल्प करने के लिए। फाइनली ये भी इतना, ये तो बस 3 किलो का ही है, अभी 2 केजी और बचे हुए हैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हाथ जैसे जम चुके हैं। तो दोस्तों, अब मुझसे हो नहीं पाएगा, इतने काफी है आज के लिए। अब मैं इसे स्टोर कर दूंगा फ्रिज में, लेकिन उससे पहले कुछ प्रोसेसिंग है करने होंगे। इसे पानी में इसे बॉईल करना होगा, थोड़े फ्रिज का ठंडा पानी डाल के फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा। इसके बाद मैं इसे एक स्टोर, जो जिप पैक है, उसमें डाल के इसे स्टोर कर दूंगा। ये भी मैं आपको अपने वीडियो में आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, सारे मटर को छीलने के बाद में गर्म पानी में इसे डाल दिया, डुबो के रखा है, 10-15 मिनट तक ऐसे ही रहेगा। इसके बाद मैं इसे छान कर इस बर्तन में डाल दूंगा। अब मैं इसे छान लूंगा इस तरीके से, पानी पर ड्रेन करने के बाद में मैं इसे इस बर्तन में रख दूंगा। तो ये मैं डाला ठंडा पानी, फ्रिज का रेफ्रिजरेटर पानी इसमें डाला, ताकि ये पके नहीं, पूरा ठंडा हो जाए हाथों हाथ। इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल रख सकते हैं। फाइनली इसमें आइस के क्यूब्स डाल दिए हैं, बर्फ के टुकड़े, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। जल्दी ठंडा होने पे क्या होगा कि ये हार्ड रहेगा और बाद में मैं इसे छान के इसे सुखा दूंगा कपड़े। मटर तैयार है, अब मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर दूंगा।